आईपीएल 2024 से राजस्थान आउट, 6 साल बाद फाइनल में पहुंची हैदराबाद, कोलकाता से होगी खिताबी जंग। आईपीएल 2024 के दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने हरा दिया। इसके साथ ही उसने आईपीएल के फाइनल में एंट्री कर ली। 26 मई को हैदराबाद कोलकाता के बीच खिताबी जंग होगी। आईपीएल 2024 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 36 रनों से हरा दिया। चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए नॉकआउट मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 175 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद ने तीसरी बार आईपीएल फाइनल में जगह बना ली और अब इस टीम का खिताबी मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 26 मई को होगा। हैदराबाद की जीत के हीरो सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के हीरो हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा और शाहबाज अहमद रहे। हेनरिक क्लासेन ने चेन्नई की मुश्किल परिस्थितियों में 24 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली। उनके बल्ले से 4 छक्के निकले। गेंदबाजी में शाहबाज अहमद ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं बल्ले से कहर बरपाने वाले अभिषेक शर्मा ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 अहम विकेट चटकाए। राजस्थान की बैटिंग फेल, राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी दूसरी क्वालिफायर में फेल रही। यशस्वी जायसवाल ने 21 गेंदों में 42 रन बनाए और ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक लगाया। इन दोनों के अलावा कोई बल्लेबाज कुछ नहीं कर सका। संजू सैमसन 10 रन ही बना पाए, रियान पराग 6 रन बना पाए, हेटमायर 4 और पोवेल 6 ही रनों का योगदान दे पाए। राजस्थान की टीम 20 ओवर में 139 रन ही बना पाई। राजस्थान की हार की बड़ी वजह चेन्नई का मौसम रहा। दरअसल चेन्नई में रात को ओस पड़ती है, लेकिन शुक्रवार रात ऐसा नहीं हुआ। ओस नहीं पड़ने की वजह से चेन्नई की पिच स्लो हो गई और बल्लेबाजों के लिए स्पिनर्स के सामने रन बनाना मुश्किल हो गया। हैदराबाद के 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर शाहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा मिलकर 5 विकेट ले गए। शाहबाज का इकॉनमी रेट 5.6 रहा, वहीं अभिषेक ने 6 रन प्रति ओवर रन खर्च किए। संजू सैमसन ने इसे ही हार की बड़ी वजह बताया। सैमसन ने माना कि मिडिल ओवर्स में उनके पास स्पिनर्स के खिलाफ कोई जवाब नहीं था। हैदराबाद 6 साल बाद आईपीएल फाइनल में, सनराइजर्स हैदराबाद पूरे 6 साल के बाद फाइनल में पहुंची है। 2018 में ये टीम आईपीएल फाइनल में पहुंची थी और इसे रनर अप के तौर पर संतोष करना पड़ा था। इसके बाद ये टीम 2019 और 2020 में प्लेऑफ तक पहुंची। इसके बाद लगातार 3 सालों तक टीम को लीग स्टेज पर ही संतोष करना पड़ा। अब नाकामी की हैट्रिक के बाद हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुंची है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2016 में आईपीएल जीता है और अब उसके पास एक और ट्रॉफी जीतने का मौका है।